الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت زدني قال لا تخف في الله لومة لائم قلت زدني قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں مشکات شریف اور دوسری کتابوں کی ایک لمبی حدیث، اس کا آخری حصہ پڑھ کر سنایا گیا ہے. تقریباً دو جمعوں سے اس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک تو جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آ رہا ہو تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے. ویسے ہر مرتبہ درود پڑھنا چاہیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب سنے، اس لیے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اس لیے بیانات میں عام طور پر چونکہ قرآن و حدیث ہی کو پیش کرنا ہے، تو ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں گرامی مبارک نام بار بار آتا ہے تو کبھی ذہن سے نکل جا سکتا ہے، اس لیے ایک مرتبہ تو ہم پر ضروری اور واجب ہو جاتا ہے کہ ہم درود پڑھیں. اس لیے سب ایک مرتبہ ہم پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک مختلف صیغوں سے ہے، ہم کو جو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس میں سب سے آسان درود صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم، یہ مختلف صیغوں کے ساتھ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے وصیت کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سات باتوں کی وصیت فرمائی. پہلی بات تھی اللہ سے ڈرنا، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر
उसका क्या फायदा है हुजूर ने वो भी बताया। दूसरी वसीयत फरमाई कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, इसका दुनिया का क्या फायदा है, आखिरत का क्या फायदा है, उसको भी बताया। तीसरी नसीहत थी अक्सर खामोश रहा करो, इसका क्या फायदा है, पैगंबर अली सलाम ने उसको भी बताया। चौथी वसीयत थी ज्यादा हंसने से अपने आप को बचा के रखो, इसका क्या नुकसान है, ज्यादा हंसने से क्या नुकसान है, हुजूर अली सलाम ने उसको बताया। पांचवी नसीहत और वसीयत थी हक बात कड़वी हो तब भी कहो। ये पांच वसीयतें गुज़श्ता जुमा तक तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश की गई, आज छठी और सातवीं वसीयत को आपकी खिदमत में खुतबे में पढ़कर सुनाया गया। हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फिर फरमाया जिदनी अल्लाह के रसूल और फरमाइए। तो पैगंबर अली सलाम ने छठी वसीयत फरमाई ला तखफ फिल्लाही लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ मत करो अल्लाह के बारे में। हजरात उलमा ने इसका मतलब मुख्तसर और अच्छा बताया, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करने में अगर कोई हमें मलामत करता है, लान तान करता है, तो उसकी कोई फिक्र मत करो, उसकी परवाह मत करो, तुम अल्लाह के मुकम्मल फरमा बरदार हो जाओ, उसकी हम महसूस तरीके से बहुत सारी मिसालें पेश कर सकते हैं। हजरत सहाबा का भी किस्सा है, पहले हजरत सहाबा का किस्सा हम सुन लें। एक सहाबी रसूल एक बहुत बड़े बादशाह के दरबार में पहुंचे, दस्तरखान लगाया गया, खाने का वक्त था, खाने में बैठे तो सहाबी रसूल जब खाना खा रहे थे, खाना से मुराद हमारे जमाने का खाना हम ना समझे हैं, वो जमाना रोटी का ही होता था, तो रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा प्लेट से किसी तरह दस्तरखान पर गिर गया। अब ये सहाबी रसूल हैं तो इन्होंने उस दस्तरखान पर गिरा हुआ, चूंकि बादशाह का दरबार है, बड़े बड़े वजीर बैठे हैं, उन्हीं में से ये सहाबी रसूल, इनको भी खाने में शरीक किया गया है। अब ये सहाबी रसूल उस एक छोटे से रोटी के टुकड़े को उठाकर उन्होंने फूंक मारकर खा लिया। अगल बगल में जो बैठे थे उन्होंने चौंका लगाया और चुपके से इशारा किया कि क्या कर रहे हो, दरबार बादशाह का है, बड़े बड़े वजीर बैठे हैं, तुम ये छोटे से टुकड़े को जो दस्तरखान पर गिर गया उसको उठाकर खा रहे हो, ये सामने वाले तो तुम्हारी कोई वकात और हैसियत नहीं रहेगी, ये घटिया काम है। वो सहाबी रसूल ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया, खैर वो जुमला तो ये था कि मैं इन अहमकों की खातिर अपने हबीब की सुन्नत को ठुकरा नहीं सकता हूं, ये अहमक हैं, इनको क्या मालूम है तो बादशाह, लेकिन दीन ना होने की वजह से ये बेवकूफ हैं, कमअक्ल हैं, नादान हैं, जाहिल हैं,
इनको क्या मालूम मेरे आका की सुन्नत क्या है, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं। मैं इस सुन्नत पर अमल करूं जिसकी वजह से ये लोग मुझे बुरी नजर से देखेंगे, मेरा मकाम इनकी नजर में गिर जाएगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इसलिए कि ये क्या देंगे मुझे मकाम, मैं तो सुन्नत रसूल पर अमल कर रहा हूं। ये हजरत सहाबा की मिसाल। इसी तरह एक सहाबी रसूल के बारे में आता है कि एक बहुत बड़े बादशाह के दरबार में पहुंचे तो किसी ने कहा कि भाई आपका जो इजार है, नीचे जो पाजामा आपने पहन रखा है उसको थोड़ा नीचे कर लूं। उन्होंने निस्प पिंडली, आधी पिंडली जो नरम हिस्सा है पैर का पीछे का, उसे पिंडली कहते हैं, उसका निस्प वहां तक, चूंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अक्सर वैसे ही पहना करते थे, तो उन्होंने वहां तक पहन रखा था। तो किसी ने कहा कि थोड़ा उसको नीचे कर लो, इसलिए कि ये बड़ा दरबार है, बादशाह का दरबार है, बड़े लोग रहते हैं। तो उन सहाबी के बारे में भी यही जुमला मिलता है, अअतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, कि मैं इन अहमकों की वजह से मेरे हबीब की सुन्नत को छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मुझे बुरा समझे ना समझे, मैं तो सुन्नत पर अमल करके ही रहूंगा। ये हजरत सहाबा की एक दो मिसाल है जो मशहूर हैं, किताबों में बयानात में ये सुनाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। आज हमारा हाल क्या है, किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में जाना है, उसका गेटअप ही बदल जाता है, दूर दूर से उसके अंदर मुसलमान की अलामत नजर नहीं आती। क्यों? अगर मैं उस मीटिंग में घुटने से ऊपर कपड़ा पहनकर जाऊंगा, टोपी पहनकर जाऊंगा, मेरी दाढ़ी होगी तो मैं इंसल्ट हो जाऊंगा, मेरा इंसल्ट होगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा कोई मकाम नहीं रहेगा। और उसको लोग जो है डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, ये दुनिया है। मस्जिद में आएंगे तो फिर उसका गेटअप और उसका हुलिया, उसकी शक्ल सूरत अलग होगी, और दूसरे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में मीटिंगों में जी जाते हैं तो वहां उसकी दुनिया ही अलग होगी। ये क्या है, मुकम्मल दीनदारी में दूसरों का खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं। मैं अपना ये किस्सा सुनाता हूं, शायद मैंने किसी को नहीं सुनाया है। जब मेरी 16 साल थी तो मैं 10वीं क्लास मुकम्मल करके हिफ्ज मदरसे में दाखिला ले लिया, मदरसे रफीकुल उलूम में। तो उस वक्त मेरे चेहरे पे बिल्कुल एक बाल भी नहीं थी दाढ़ी की, एक बाल निकल कर आया था, एक ही बाल। तो मेरे एक रिश्तेदार ने मुझसे कहा, अरे क्या ही सब बुढ़े हो गए तो रख लेना, सब निकाल लेना ऐसे। अगर मैं उनकी बात मान लेता तो शायद आज हमारे चेहरे पे दाढ़ी ना हो। आज भी वो हैं, आज भी हमारी हालत को वो जानते हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। तो हम अगर दीन पर चल रहे हैं तो कोई हमको ताना दे रहा है, मलामत कर रहा है, हमारी हिजू कर रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है, कोई परवाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुझे खुदा के लिए करना है, मैं अपने अल्लाह को राजी करने के लिए काम करना है। कोई उससे नाराज हो, कोई उससे दूर होता, उसे कोई फिक्र नहीं। दीन के मामले में आज हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि लोग क्या कहेंगे, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह क्या समझेंगे, अल्लाह क्या कहेंगे, अल्लाह के दरबार में हमारी क्या हकीकत होगी, क्या सवाल होगा, इसकी कोई फिक्र नहीं है। फुलां क्या समझेंगे, ये क्या समझेंगे, वो क्या समझेंगे, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लान तान करेंगे, वो मलामत करेंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी की हैसियत 10 आदमी को खिलाने की है,
अब वो ये सोच रहा है कि अब मैं सिर्फ 10 आदमी को खिलाऊंगा तो बाकी लोग क्या कहेंगे, इसलिए उसको 10 से बढ़ाकर 20-30 को खिला रहा है, लेकिन उसकी ताकत ही नहीं है। अब ला मुहाला वो कर्ज लेगा, और कर्ज लेगा तो आज का जमाना तो कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, हर आदमी परेशान है, तो अब क्या होगा, सूदी कर्ज लेगा। अगर घर का डॉक्यूमेंट्स है, ज्वेल्स है, तो फिर वो बैंक में रखेगा, मारवाड़ी की दुकान में रखेगा, या फाइनेंस के पास जाएगा और सूद पर कर्ज लेगा, और लोगों को खुश करने के लिए वो हराम लुक्मे लोगों के पेटों में पहुंचाएगा। हम सबके बारे में ये नहीं कह सकते, इसलिए कि शक करना सही नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि यह हराम माल से खिला रहा है। हर आदमी खुद सोच सकता है कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं कितनों को खिला सकता हूं, मेरी ताकत क्या है। और आज दुनिया में ये गेस्ट करने के लिए, ये अंदाजा लगाने के लिए कोई मुश्किल मसला नहीं, आराम से आदमी देखकर समझ सकता है। एक आदमी 10,000 की नौकरी कर रहा है, अब वो खिला रहा है 500,000 लोगों को, ताज्जुब की बात है। एक साहब ने एक शादी खाना बुक किया, एक दिन का किराया 2.25 लाख रुपए। हमने कहा एक गरीब बच्ची की शादी हो जाएगी, एक गरीब बच्ची की शादी हो जाएगी। तो एक साहब ने कहा ठीक है, हम वो 2.25 लाख के किराए पर अपने बेटे की भी शादी करेंगे, साथ में एक बच्ची की भी शादी कर देंगे। हमारा मकसद ये नहीं, हम ये कहना चाहते हैं अपना पैसा फजूल क्यों खर्च कर रहे हों। बहरहाल उन्वान बदल जाएगा, हमें दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या कहेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, मुकम्मल दीनदारी हम सबको नसीब फरमाए। मैं अपनी बात को समेट रहा हूं, आखिरी और सातवीं वसीयत हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु ने फिर से कहा कि अल्लाह के रसूल और फरमाइए। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, लियहजुज़ा का अनिन नास माता अलम मिन नफसिक। देखो तुम्हारे अंदर जो ऐब है, उस ऐब के होते हुए तुम दूसरों की ऐब तलाश मत करो, खुद किसी ऐब का शिकार हो चुका है, अब दूसरों को देख रहा है। बाज लोगों की आदत होती है कि किसी को बख्शते नहीं, ये फुलां ऐसा, ये फुलां ऐसा, ये फुलां ऐसा, इसके अंदर ये खराबी, उसके अंदर, अपने अलावा सबकी गाएगा। वो ये समझ रहा होता है कि दुनिया में मैं फकत दूध का धुला हुआ हूं, बाकी कोई ऐसा नहीं है, बाकी सब फुला इमाम वो ऐसे हैं, फुला मोजिन वो ऐसा है, फुला मुतवली वो ऐसा है, फुला जूरी वो ऐसा है, फुला दुकानदार वो ऐसे हैं, फुला साहब वो ऐसे हैं, फुला सब के बारे में नुक्ता और ऐब। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम गौर करो तो कुछ ऐब तुम्हारे अंदर भी होंगे। आज कौन इंसान दावा कर सकता है कि मैं बिल्कुल सारे उयूब से पाक हूं, सिवाय खुदा के कोई दावा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तमाम उयूब से पाक हैं, साफ हैं, मुनज्जा हैं, अल्लाह के अलावा कौन है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अंदर उयूब को रखते हुए, ऐबों को रखते हुए दूसरों के ऐब में मत पड़ो। सूरह हुमज़ा में अल्लाह ताला ने बड़ी हलाकत की वईद सुनाई, वैलुन लिकुल्ली हुमजतिन लुमजतिन, हलाकत है हर लान तान करने वाले, ऐब जोई करने वाले के लिए, जो दूसरों का ऐब निकालता है कि ये फुला ऐसे हैं, ये इनके अंदर ऐसी बात है, ये फुला ऐसे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए हलाकत की वईद सुनाई है। इसलिए आदमी अगर अपने अंदर कोई खराबी, कोई ऐब पाता है तो पहले उसकी इस्लाह की फिक्र हो, मेरे ऐब की मैं इस्लाह करूं, उसकी फिक्र हो।
आदमी जब अपनी इस्लाह की फिक्र करेगा तो फिर इंशाअल्लाह इस फिक्र की बुनियाद पर दूसरों के उयूब भी दुरुस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये सातवीं और आखिरी वसीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु को फरमाई है, जो उनके वास्ते से पूरी उम्मत के लिए वसीयत और नसीहत है कि हम अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करें, तकवा पैदा करें, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें और हमेशा खामोश रहने को अपना शेवा बनाएं, मिजाज बनाएं, ज्यादा हंसने से अपने आप को बचा के रखें और हक बात कहने में पीछे ना हटें। और आज दो वसीयत आपको सुनाई गई कि किसी मलामत करने वाले की मलामत का कोई खौफ ना खाएं और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अपने अंदर जो उयूब हैं उसकी हम इस्लाह करें, फिक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। दो बातें आपकी खिदमत में तीन मिनट में बोलने की कोशिश करूंगा। पहली बात, हर साल ये रबीउल अव्वल का महीना आता है। ये रबीउल अव्वल का महीना यकीनन पूरी इंसानियत के लिए, बिलखुसूस पूरे मुसलमानों के लिए यकीनन खुशी का महीना है, इस माना के एतबार से कि इसी महीने में हम सब के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है। इसी तरह यही वो महीना है जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सबसे बड़ा गम है और वो गम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात भी इसी महीने में हुई। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पैदाइश के बाद 63 साल, 60 पर 3 साल जिंदगी गुजारे और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद हजराते सहाबा का 100 साल का दौर गुजरा है। हजराते सहाबा 100 साल तक सहाबा का दमाना चला है, उसके बाद ताबाइन, तबे ताबाइन, अकाबिर सब चले हैं। आप पूरी तारीख उठाकर देख लें, कहीं भी ना आप अलैहिस्सलाम के पैदा होने की खुशी मनाई गई है, ना आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर गम और मातम किया गया है। क्यों? इसलिए कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। खुशी मनाना, गम मनाना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। खुसूसन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर 12वीं मनाना और आपकी वफात पर गम मनाना इस्लाम में पैगंबर के दौर से, हजराते सहाबा के दौर से सबसे हम देख लें, कहीं भी इसका कोई सबूत नहीं। आज कुछ गैर मुकल बरेलवी किस्म के लोग, बिदअती किस्म के लोग पता नहीं कहां कहां से दलाइल पकड़ पकड़ कर लाते हैं, कहते हैं ये किताब है, ये किताब है, वो किताब है, इस किताब में है, उस किताब में है। अब हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, पढ़े लिखे, वो उस ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप को देखकर हमको फॉरवर्ड करते हैं क्या ये सही है। हम कहते हैं भाई कुरान और हदीस हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है, कुरान और हदीस हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है। अगर पैगंबर की विलादत जश्न मीलादुन नबी मनाने का कोई हुक्म होता तो क्या पैगंबर उसको करने से मना करते? क्या सहाबा उसको छुपाते? इससे बड़ी दलील हमको क्या चाहिए कि किसी सहाबी से इस किस्म का कोई वाकया मरवी नहीं है। पैगंबर खुद अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मौका खुशी का नहीं मनाए हैं। तो हम इस चीज को लेकर आज अपने अंदर एक अजीब फिजा, ये महीना आता है तो लोगों में एक बड़ी हलचल। देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे शहरों में आसपास में 30-40 साल पहले का अगर हम नक्शा देखते हैं तो बहुत सारे खुराफात थे, बहुत सारे बिदात के काम थे, बहुत सारे रस्मों रिवाज थे। छोटी एक मिसाल कहता हूं,
पहले हमारे घरों में जब शादियां होती तो घर के बाहर कितना बड़ा मंडवा पंडल डालते थे। आज पूरे शहर में कहीं एक जगह हम दिखा दें, इंतकाल हो जाए तो शामियाना लगाते हैं लेकिन मंडवा नहीं डालते। अलबत्ता इसमें जरा हम अपडेट हो गए, मंडवा और पंडल के बजाय हम जरा अपडेट हो गए, सीरियल लाइटों पर आ गए पहचान के लिए। पहले मंडवा घर के सामने, इधर चार घर उधर चार घर लंबा जो है मंडवा होता था, पंडल होता था, बच्चे हम सब जो है उस खंभों में जो है खेलते थे। ये सब हमारे शहरों की हालत है, लेकिन अब उसमें वो तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पंडल वाले खफा भी हैं, नाराज भी हैं कि भाई इनकी वजह से हमारा काम बिजनेस मार खा गया। लेकिन अब उसके लिए और एडवांस हो गए, टेक्नोलॉजी का दौर है तो एडवांस हो गए। अब सीरियल लाइटों से जिस घर के निकाह और शादी है ऊपर से नीचे तक डिजिटल अंदाज से, भाई अजीबो गरीब अंदाज से लाइटिंगों की सवारा जाता है। तो इस तरीके से अगर चाहिए दौरे जदीद का एक मामला है, लेकिन पहले जितने खुराफात थे उससे अल्लाह ने हमको बचाया, अल्लाह ने हमको समझाया, दीन समझाया। आज हम कई चीजों से जो है अपने आप को अलग करते हुए आ रहे हैं। अब ये जो 12वीं है, इसी तरह आइंदा महीना 11वीं है, ये भी अल्लाह करे हमको समझ में आ जाए कि हकीकत क्या है, अल्लाह हमें समझा दें। पैगंबर अली, कुछ लोग अशार के जरिए से कहते हैं कि भाई पैगंबर की विलादत पर खुशी वही नहीं मनाएगा जो इबलीस की औलाद होगा। सुभान अल्लाह। तब सहाबा सब, आप क्या कहेंगे सहाबा को, आप क्या कहेंगे कि सहाबा ने पैगंबर की विलादत नहीं मनाई, तो क्या आप सहाबा को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक इबलीस की नस्ल कहेंगे? और खुद पैगंबर अली सलातो सलाम से अब पैदा होने के बाद से 63 साल जिंदा रहे, एक साल भी हुजूर ने नहीं मनवाया, तो फिर खुद हुजूर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इसलिए ये सब चौंचले हैं जो अपने चौंच से कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, इनके बातों पर कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारना है। इसलिए इस महीने में रबीउल अव्वल का महीना यकीनन मुसलमानों को इस हैसियत से कि ये पैगंबर की विलादत का महीना है खुशी है, लेकिन मनाने का हुक्म नहीं है, बर्थडे मनाने का हुक्म नहीं है। बहरहाल अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है, आप हजरात सोशल मीडिया के वास्ते से ये बात जानते होंगे कि आए दिन नए कवानीन बनते चले जा रहे हैं, जो हालात के पेश नजर मुसलमानों को बेदार रहने की जरूरत है। चुनांचे इस सिलसिले में मैं मुख्तसर बात ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स का मतलब है समझिए आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस किस्म के जितनी चीजें हैं, इस सिलसिले में हमें बेदार रहने की जरूरत है कि इसमें जहां तक हम अपडेट कर सकते हैं पहली फुर्सत में हम अपडेट कर लें। अभी एक मैसेज आया है कि 2013 से अब तक जिन्होंने आधार कार्ड में कोई चेंजअप नहीं किया है और कोई अपडेट नहीं किया है उनको अपडेट करना जरूरी है, वरना उनका वो कार्ड कैंसिल हो सकता है, डमी हो सकता है। इस तरीके से आईडी कार्ड के सिलसिले में हमको हालात के आने से पहले बेदार होने की जरूरत है। हमें हमेशा देखता हूं सुनता हूं और आप भी जानते होंगे, हम मुसलमानों के प्रूफ में जितने मिस्टेक हैं किसी और कौम के प्रूफ में उतने मिस्टेक नहीं है। हमारे आधार कार्ड में एक नाम होगा, वोटर आईडी कार्ड में एक नाम होगा, राशन कार्ड में एक नाम होगा, इसमें फुलां स्पेलिंग रहेगा उसमें फुलां स्पेलिंग रहेगा, उसमें इनिशियल रहेगा इसमें इनिशियल नहीं रहेगा, इतने मिस्टेक्स हैं। लेकिन हमारी बेहिसी कहें या कमजोरी कहें या क्या कहें समझ में नहीं आता, हमको कोई इसकी फिक्र नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ नाम लिखा हुआ है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट में कुछ नाम लिखा हुआ है, अलग अलग अलग। हम खुद इससे पहले
इस सिलसिले में कार्रवाई हुई, घर घर ये काम किया गया, तो फिर से इस आइंदा 24 के आने से पहले, 2024 के आने से पहले पहले हम अपनी इन सारी दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स को सही करें, खुद करें, अपना करें, अपने घर के तमाम मेंबर्स का करें, और हो सके तो अपने अड़ोस पड़ोस और जान पहचान के लोगों को इस सिलसिले में रहनुमाई करें। अल्लाह पाक हम सबको आफियत और अमन वाली जिंदगी नसीब फरमाएं। आमीन वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।